हेलो गाइस, वेलकम टू एम्प्टी राइडर प्रशून यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, वेरी 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 हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। सो आज बहुत दिनों के बाद आप सभी से मैं मुलाकात कर रहा हूँ इस व्लॉग के थ्रू। मैंने सोचा आप सभी से मुलाकात कर लेता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं कोई भी वीडियो मैं नहीं डाल पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि काफ़ी काम चल रहा था मेरा, थोड़ा उसी में मैं बिजी था। तो आज है होली और होली पे मैं क्या करने वाला हूँ ये आप सभी को मैं दिखाऊंगा। आज मैं करने वाला हूँ अपनी बाइक्स को क्लीन, कार को क्लीन, और दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा डर्ट उस पर जम चुकी है सभी गाड़ियों पे। तो चलते हैं लेके और आपको दिखाते हैं अपना प्रेशर वाशर कैसे क्लीन करता हूँ अपने बाइक्स को, कौन सा प्रेशर वाशर मैं यूज़ करता हूँ और क्या क्या करता हूँ। फिलहाल अकेला ही हूँ तो वही मैं करने जा रहा हूँ, सब लगाऊंगा और दिखाऊंगा आप सभी को। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी की होली कैसी रही। तो चलिए शुरू करते हैं। When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a top top in pockets, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. So, दोस्तों अभी कुछ आपने शॉर्ट्स देखे, तो फाइनली ये चार बाइक और एक कार को मैं वॉश करने वाला हूँ आज। और मैं दिखाता हूँ आप सभी को जिस मशीन से मैं क्लीन करूँगा इनको, और बहुत ही बेहतरीन प्रेशर वॉशर है ये जो मैं यूज़ करता हूँ। और एमटी को देखा तो बहुत ही सारी इतनी सारी बाइक्स गंदी हैं, आज फाइनली टाइम मिला है तो इनको सबको क्लीन ही कर देता हूँ। अभी कलर तो खिला नहीं है बिल्कुल भी, तो वो भी अभी खेलूँगा थोड़ी देर के बाद में। पहले इनको मैं क्लीन करके इनको सेटल कर देता हूँ, क्योंकि बाइक की क्लीनिंग और कार की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इनको मेंटेन नहीं रखेंगे तो कभी ना कभी तो ये धोखा डेफिनेटली देंगी। तो देखते हैं, अब तो मशीन पहले मैं दिखाता हूँ, फिर मैं इनको प्लेस करता हूँ और मैं क्लीनिंग स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों ये देख लीजिए, ये मैं प्रेशर वाशर यूज़ करता हूँ नेपट्यून कंपनी का, और काफ़ी अच्छा प्रेशर वाशर है, बहुत बढ़िया कार वॉश करता है। सबसे मेन बात जो है इसमें पानी का यूज़ बहुत कम होता है, लगभग 2-3 बाल्टी में आपकी पूरी जो है कार वॉश हो जाएगी, और तो ऐसे ही बाइक में भी लगेगा। तो फाइनली अभी मैं पहले बाइक्स को क्लीन करूँगा, आफ्टर देन मैं कार को लगा करके अच्छे से क्लीन करूँगा। तो इसको मैं प्लेस करता हूँ। करना क्या होता है इसमें लगाने के लिए, ये आपका एक लगभग 10 मीटर का होस मिलता है, और इसमें एक ये गन टाइप की मिलती है। जितनी देर आपको चलाना है ये दबा के आप रखेंगे उतनी देर चलेगा, और जैसे ही छोड़ देंगे ये बंद हो जाएगा। इसमें इनलेट जो है ये वाला पाइप है, इसको मैं सीधे टैप से कनेक्ट कर दूंगा ये वाला पाइप। और यहाँ पे देख लीजिए ये वायर है, ये लगभग 1600 वाट का मोटर है इसमें, तो इसको 1.6 kW, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ पावर बोर्ड से और वह स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों इसमें यानी प्रेशर दिखाता है, यहाँ पे ऑयल पड़ता है, कोई भी इंजन ऑयल आप डाल सकते हैं बाइक का, ऑयल डालना ज़रूरी होता है क्योंकि पिस्टन्स हैं वो चलते रहते हैं। तो अभी मैं इसको लगाता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ कैसा क्या प्रेशर है। यहाँ पे बाइक्स और स्कूटी का प्लेसमेंट कर दिया है और प्रेशर चालू है हमारा। ये देखिए दोस्तों, ये तो अभी जो है थोड़ा इसको मैं प्रेशर इसका बढ़ाता हूँ यहाँ से, यानी इसको स्टीव कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं, जिस तरीके से यूज़ करना है वो कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा जो है ये बिल्कुल सीधा प्रेशर लगने लगा है। और अभी जो है हिमालयन की कंडीशन में दिखाता हूँ आप सभी को, ये देखिए पूरे 0.1 mm की डस्ट जम गई है। मीटर बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है इसकी, इसकी बैटरी वगैरह भी चार्ज करेंगे। और ये हमारी बहुत पुरानी प्लेटिना है, इसकी कंडीशन आप देख लीजिए, गिर गई थी ये बारिश में तो ऐसे ही खड़ी है। इसको भी आज मैं क्लीन करता हूँ अच्छे से, फिर दिखाता हूँ आप सभी को। दोस्तों देखिए फाइनली बाइक क्लीन हो गई है और बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल लगने लगी है। और ये 2016 का मॉडल है, देख लीजिए एकदम बेहतरीन, लद्दाख लद्दाख सब कर चुका हूँ इससे। और अभी फाइनली इसको मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे हमारी मशीन चल रही है और इधर एमटी जो है हमारी बिल्कुल बेहतरीन क्लीन हो चुकी है। इधर स्कूटी
सिस्टर है हमारी, इनकी क्लीन हो रही है, तभी इनको जुटाया हूँ मैं, कायदे से काम ले रहा हूँ इनसे। यहाँ पे अभी प्लेटिना जो है हमारी अच्छे से एकदम क्लीन हो चुकी है, और इसमें जो चमक देख रहे हैं ना, इसका पूरा क्रेडिट इनको जाता है, क्योंकि रगड़ा इन्होंने है भैया, खाली पानी हमने मारा था बाकी इन्होंने रगड़ाई की है। तो ये देखिए साफ़ हो गई है, मशीन काफ़ी अच्छी है हमारी, और इससे इसका पैसा मैं अदा कर चुका हूँ पूरा, क्योंकि सबसे इसमें ज़्यादा बचत होती है आपकी टाइम की, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे लगी है बाइक, आराम से धुल गई घर के घर में, ना तो पेट्रोल का वेस्टेड है जहाँ प्रेशर पे धुलाने जाते हैं, ना तो टाइम का और ना ही पैसे का। देखो पेट्रोल भी लगता है साथ में, पैसे भी पड़ते हैं, और थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाइक एकदम चमाचम हो जाती है। देखिए आप खुद देख सकते हैं सामने, देख लीजिए पूरा एकदम चमक गया। और अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी देर सूखने दूँगा, उसके बाद इसको मैं माइक्रोफाइबर टॉवल से पूरा स्वैप कर दूँगा, जिससे कि इसका जो पानी है वो सूख जाएगा, और इस पर यानी गंदगी भी नहीं आएगी, जैसे नहीं धब्बे पड़ जाते हैं, वो धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। टॉवल कौन सी यूज़ करता हूँ वो भी मैं दिखाता हूँ आप सभी को। दोस्तों ये देख लीजिए, ये टॉवल है ऑटो फ्रेंड कंपनी की, माइक्रोफाइबर, और ये वाली जो टॉवल है ये 100 रुपीज़ की पहले लाया था मैं उसी शॉप से, उसके बाद में 110 रुपीज़ की ये वाली मैं लाया था, और बहुत अच्छी है। इसी वाली से, छोटी वाली से पूरी आपकी कार जो है वो सूख जाएगी, पानी जो उसको पूरे एब्जॉर्ब कर लेगी, और आराम से पूरी कार आप अपनी क्लीन कर सकते हैं। अंदर जो डैशबोर्ड पे गंदगी वगैरह होती है वो भी सब कुछ इसी से क्लीन हो जाती है। तो अभी क्या है, अभी बाइक्स को मैं प्लेस करता हूँ अपनी जगहों पे, उसके बाद मैं इस कार को निकालता हूँ, जो कि देख लीजिए बहुत ज़्यादा गंदी है, और इसको भी मैं लगभग 1 घंटा लगेगा पूरा इसमें क्लीन करने में, अंदर बाहर सब मैं क्लीन करके इसको खड़ा कर दूँगा और दिखाऊँगा आप सभी को। पहले इसके शॉट्स दिखाऊँगा कितनी गंदी है, उसके बाद में क्लीन करने के बाद में आप सभी को मैं दिखाऊँगा कितनी क्या ये साफ हो पाई। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारी हिमालयन जो है एकदम बेहतरीन क्लीन हो चुकी है, और अगेन इसमें जो है कलर भी लग चुका है क्लीन होने के बाद में। यहाँ पे थोड़ी सीट रख दी थी वो मिट्टी में लग गई, बाकी देख लीजिए कितनी बेहतरीन क्लीन हुई है, और ये देख लीजिए हमारी MT भी बहुत बढ़िया से अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब दिखाता हूँ मैं अपनी स्कूटी, ये देख लीजिए रेजर हमारी यहाँ पर पार्कड है, और ये भी अच्छे से एकदम बेहतरीन क्लीन हो चुकी है। तो अब कार के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ और फिर वीडियो को मैं करता हूँ एंड। दोस्तों फाइनली आप सभी ने देखा ये वीडियो, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कुछ नया करने का ट्राई किया है। सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आशा करेंगे आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। धन्यवाद।